हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ना मेरा लास्ट 2 दिन से शेड्यूल बहुत बिजी था एंड वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियोस ऑन एस्ट्रोलॉजी। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल ट्राई टू शेयर अपलोड अ वीडियो ऑन एस्ट्रोलॉजी। सो प्लीज मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो आप लोग। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था नेचर्स कैसा होता है प्लैनेट्स का, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से योग बनते हैं प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से। तो सामने बोर्ड पे देख रहे हो, सबसे पहला योग लिखा हुआ है सन प्लस मर्क्यूरी। सन मीन्स एसयूएन, सन मतलब समझ गए आप लोग, सूर्य एंड बुध, MER मीन्स मर्क्यूरी, जिनको हम बुध बोलते हैं हिंदी में। तो फिर सन और मर्क्यूरी से जो योग बनता है ना, उसको हम बुध आदित्य योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुध आदित्य योग। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मोस्टली ना ये जो योग है अब बहुत सारे लोगों की कुंडली में योग मिलता है। क्यों? उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ना जो सन है और मर्क्यूरी है ना, ये एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं कुंडली में, अगर आप देखें तो ब्रह्मांड में भी। तो इसकी वजह से जो योग बनता है ना, ये सबकी कुंडली में होता है। पर ये क्या सबको फलित, मतलब सबको इतना अच्छा रिजल्ट देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमें उसकी डिग्रीज देखनी पड़ती है, साथ में हमें देखना होता है ये केंद्र में बन रहा है या किस स्थान पे बन रहा है कुंडली, किस भाव में बन रहा है। एंड प्लस साथ में हमें ये भी देखना होता है ना कि ये इनकी ये मित्र घर में बन रहा है, मीन्स किसी फ्रेंड के हाउस में बन रहा है या एनमी के घर में बन रहा है। बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ ये योग आपके लिए कितना वर्क कर रहा है। डोंट वरी, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन आगे बताऊंगी, पहले आज हम जस्ट इतने कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जुपिटर प्लस मून। जुपिटर मीन्स बृहस्पति गुरु एंड मून मीन्स चंद्रमा, आप सबको पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब क्या होता है, जुपिटर एंड मून से भी ना योग बनता है जिसको हम गज केसरी योग बनते हैं बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली में क्या होता है, जुपिटर एंड मून साथ में बैठते हैं, ठीक है, चाहे केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, किसी भी हाउस में बैठे, साथ में बैठते हैं। और किसी किसी के सब सप्तमी योग अगर केंद्र में बैठे एक दूसरे साथ में, तो भी योग बनता है। पर ना हर योग में एक कंडीशन होती है कि इनकी डिग्रीज कैसी है, ये किस हाउस में बैठे हुए हैं, ये अपने मित्र घर में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे, बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। प्लस इनके ऊपर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है, कितने पाप ग्रहों का प्रभाव है, वो सब देखने के बाद ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गज केसरी योग आपके लिए सीरियसली अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, और दे रहा तो कब तक देगा। अब इसके बाद होता है मून प्लस मार्स से योग बनता है। अगर मून मीन्स चंद्रमा और मंगल मार्स मीन्स, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में बैठे या फिर सब सप्तम बैठे केंद्र में, तो इससे क्या होता है, इसमें लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे लोगों के पास ना पैसों की कमी नहीं होती है, मेरे भी बनता है। अच्छा, और फ्रेंड्स एक बात और, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि क्या ये जो एक दूसरे से कहीं शत्रु राशि में तो नहीं बैठे हैं, आपके लिए इनकी डिग्रीज कैसी है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ अशुभ योग। अब मैं अशुभ योग भी आपको बता देती हूँ। एक तो राहु और चंद्रमा का आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत डराया जाता है ना ग्रहण योग बना है कुंडली में, ग्रहण योग। देखिए राहु और चंद्रमा से बनता है, इस योग का क्या रिजल्ट होता है, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस योग से आपको फायदा है, किस योग से आपको क्या नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट योग बनता है राहु और शनि का। राहु और शनि एक दूसरे के साथ बैठ जाए, एक दूसरे को दृष्टि से देखें, तो भी योग बन जाता है। इसको हम बोलते हैं शापित योग, या फिर इसको हम प्रेत बाधा योग भी कहीं कहीं बोला जाता है। फिर बनता है राहु और सन के साथ में होने से ग्रहण योग। अब आप लोगों को पता है जब भी ग्रहण लगता है तो हम ऐसा बोलते हैं ना, राहु ने ग्रसित कर लिया है सूर्य देव को, या राहु ने ग्रसित कर लिया चंद्रदेव को, तो ग्रहण योग बन जाता है। फिर आता है राहु एंड जुपिटर के साथ बनने वाला गुरु चांडाल योग। जी ऐसा हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जब गुरु चांडाल योग होता है ना तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देता है। फिर आता है राहु एंड मार्स अंगारक योग जिसको हम बोलते हैं। और एक योग और है जो कि शनि एंड चंद्रमा से बनता है, पर सॉरी यहाँ ब्लैक बोर्ड पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। शनि और चंद्रमा से बनने वाला विष योग होता है। अब फ्रेंड्स ये सारे योग आपको कैसा फल देंगे मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी, बट कुंडली चार्ट बना करके बताने में ज्यादा मजा आएगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में एस्ट्रोलॉजी के। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी कर दो ना, ऊपर ऊपर से देख के उड़ जाते हो आप लोग, साथ में लाइक कर दो। और अगर ज्यादा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो, तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।
टेक केयर।